नमस्ते हिंदुस्तान, आप सभी का स्वागत है और सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं और रिपब्लिक डे की भी। हैप्पी रिपब्लिक डे। हम फिर से आ गए हैं आपके लिए कॉटन कलेक्शन लेकर। ये जो आप कुर्ता देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर में, मतलब आप कह सकते हैं कबूतर कलर जो होता है, आसमानी कलर सा। तो ये जो सूट है ये पाकिस्तानी कुर्ती है और इसके नीचे आपको ट्राउज़र भी है और दुपट्टा भी है। इसमें कुछ प्रिंट है, कुछ वर्क एम्ब्रॉयडरी है जो आप दामन पर देख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी और लेस के साथ है फ्रंट में, और बैक में इस टाइप का इसमें प्रिंट है। ये इसका कॉटन का दुपट्टा है, चारों तरफ इसके अंदर लेस है और पूरे दुपट्टे पर ये प्रिंट वर्क है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक दो बार वॉश करेंगे और ये निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राउज़र पर भी इसके ऊपर भी प्रिंट ही है, सिर्फ कुर्ते के फ्रंट में इसमें एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये सारा प्रिंट है। तो इसकी जो प्राइस भैया ने बताई थी वो बताई थी 850 रुपये। अब कॉटन आ जाएगा तो उन्होंने अपना कुछ कलेक्शन दिखा दिया है कि जो लेना चाहे वो आकर ले सकता है। ये भी एक कुर्ती है ट्राउज़र के साथ, इसका प्राइस भी सेम है 850 रुपये। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें अंदर इनर लगा हुआ है कुर्ती में, कॉटन की में। इस पर नलकी वर्क हुआ है, जो छोटी नलकी होती है आपकी उस साइज़ में। और ये इसका ट्राउज़र है, आप देख पा रहे होंगे। तो रेंज इनकी सेम है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है काफ़ी कुर्तियों में, लेकिन इसकी रेंज भी 850 रुपये भैया ने बताई। और वहाँ जाकर ये क्या पता क्योंकि जब ये प्रॉपर कलेक्शन आ जाएगा, अभी तो क्या है ठंड है, ठंडी में भी आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आप देखेंगे कि अब जब इस पे आप जाएंगे फरवरी के फर्स्ट या मिड में, तो ये सब इन हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। ये जो कुर्ती है काफ़ी सुंदर थी, इसको आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, काफ़ी हाई रेंज में ये आती है। ये फ्रॉक टाइप है, इसकी जो कलियां हैं कलियों में समोसा लेस डालकर बनाया गया है, नेक पे एम्ब्रॉयडरी और गोटा लेस देकर बनाया गया है। और ये इसका इसके साइड में टशल वगैरह लगाई गई है, काफ़ी अच्छे लुक में से बनाया गया है। नीचे दामन देख लीजिए, इसका घेरा जिसे हम कहते हैं लेस के साथ है, इसमें चांद लेस के हिसाब से बनाया गया और गोटा पट्टी के हिसाब से इसको बनाया गया है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसका रेंज तकरीबन ट्राउज़र और कॉटन दुपट्टे के साथ इन्होंने 950 का बताया था, तो आप देख सकते हैं इसकी रेंज को। नेक्स्ट कुर्ती पर आ जाइए, ये देखिए इसमें गोटा पट्टी देकर ही बनाया गया है समोसा लेस नेक को, और साइड में जो पट्टियाँ आती हैं उसके हिसाब से। ये भी काफ़ी अच्छी कुर्ती थी, बहुत सुंदर लग रही थी, कॉटन में है और कॉटन की चीज़ें सबको पता है बहुत अच्छी होती है क्वालिटी। इसका दुपट्टा और ये इसका वाइट में ट्राउज़र, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी 850 की रेंज में है। बाहर का अगर कोई स्टोर आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। तो ये भी और ये कुर्ती नहीं, पता नहीं क्या था, मतलब दिल को भाने वाली चीज़ थी, पेपलम टॉप जिसे कहते हैं उस टाइप में, और नीचे इसके सरारा था, काफ़ी घेरे में था, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा था। इसकी रेंज भी 1000 भैया ने बताई थी। और इसमें जो नीचे ना पाइपिंग डाली हुई है पिंक कलर की, डार्क पिंक जो होता है ना, मजेंटा कलर जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। उस दिन मैं कैश लेके नहीं गई थी, वरना मैं इसे ख़रीद लाती, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। अगर आप कहीं भी छोटी मोटी पार्टी अटेंड करना चाहते ना, तो ये बहुत सुंदर था। तो इसका सरारा देखिए, इस तरीके से इसको बनाया गया था, डबल पैनल देकर, मतलब टू शेड में, और काफ़ी घेरा था इसमें शरारा में। इस शरारे को आप ऐसे ही यूज़ कर इसके ऊपर शर्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो एकदम आपका इंडो वेस्टर्न लुक देगा। अगर इसके शर्ट क्रॉप टॉप वगैरह यूज़ करेंगे वाइट में, तो बहुत सुंदर ये लगेगा। तो आप इसका लुक देख लीजिए, इस तरीके से इसका ऑल लुक देख लीजिए। कैमरा पकड़कर सिंगल बंदे को दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेक्स्ट कुर्ती पर हम चलते हैं, ये है येलो मस्टर्ड कलर में। इसका नेक पे ये एक पट्टी लगाई गई है, मतलब ये लेस आती है, इसमें गोटा वर्क करके यूज़ किया जाता है। ये इसकी स्लीव, ये इसकी टैशल जो साइड में है, ये भी काफ़ी इन है आजकल फैशन में। और ये इसका दामन है, ये भी पेपलम कुर्ती की तरह है, पर थोड़ी सी लॉन्ग है, आपके थाई से नीचे ही आएगी। और ये इसका कलियों वाला प्लाजो है, ये भी काफ़ी अच्छे घेर में था, और इसके साथ गोटा पट्टी का यूज़ किया गया है।
आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा, अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये आपके किसी भी कुर्ती के नीचे ये प्लाजो चला जाएगा आपका, कलियों वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दूसरा आप कुर्ता देख लीजिए, इसमें भी गोटा वर्क हुआ गया है, गोटा पट्टी जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से साइड में पूरा इसका पाइपिंग डाला गया है। काफ़ी अच्छा था, ये रियोन कपड़े में था, कॉटन नहीं था, रियोन मिक्स था। साइड में जो चाक पट्टी होती है उसमें समोसा लेस को इन किया गया है, नीचे दामन पे भी। और ये इसका प्लाजो है नीचे, मतलब ना तो प्लाजो है ना ही पैंट है, मिड का है, और इस पर कुर्ते की पट्टी दी गई है। तकरीबन हम कह सकते हैं 8 इंच की इसकी मोरी थी नीचे से, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। वही रेंज इनकी 850-900 इस तरीके से। ये बिल्कुल कॉटन था, सॉफ्ट कॉटन जो होता है जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब पहनना हम पसंद करते हैं, वो वाला ये कॉटन है। और इस पे भी लेस लगाकर इसकी मतलब की सुंदरता को बढ़ाया गया है। इसके ऊपर पीच कलर का प्लाजो है, यानी प्लाजो पैंट जो है वो है इसके अंदर, पूरा प्लाजो भी नहीं है, पैंट ही एक तरीके से, और इस पर गोटा पट्टी दी गई है। इसकी भी मोरी तकरीबन 7.5 की चौड़ाई में है इस तरीके से। नेक्स्ट कुर्ती पर चलते हैं, ये भी कॉटन में है, काफ़ी सुंदर है। इसमें फॉइल वर्क किया गया है जिसे हम मिरर वर्क बोल सकते हैं, ओरिजिनल मिरर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मिरर जो होता है वो निकल जाता है, कपड़े को फाड़ देता है या चुभता है, तो फॉइल मिरर वर्क काफ़ी अच्छा होता है। कलियों में इसमें भी पाइपिंग दी गई है, ये इसकी टैशल है। अगर आप चाहें तो इन्हें आप खुद के किसी ड्रेस पर भी बना सकते हो इनको देखकर, ये भी काफ़ी सुंदर है। ये फ्रॉक सूट में है आपका, नीचे इसका दामन देखिए, इसमें जो आपका प्लाजो जो आएगा उसकी पट्टी इसके ऊपर इन किया हुआ है, दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कमर के पास ये टैसल इन्होंने डाली हुई है। आप किस तरीके से इसे यूज़ करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, बांध कर मतलब फ्रंट में अगर आप कहें तो कमर से 2-3 या 4 इंच अंदर आके, या आप इसे निकाल के कहीं और भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती आ जाइए, बहुत सुंदर थी मस्टर्ड पर, पूरी लॉन्ग गाउन टाइप ये कुर्ती है, ये इस पर वर्क किया गया है पैच वर्क ऊपर, नीचे कलियों में वही गोटा पट्टी डाली गई है ताकि ये लुक सुंदर आए। ये देखो मैंने कैसे कर करके इसका फ़ोटो बनाया हुआ है, इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये इसका नीचे से घेरा है, दामन जिसे आप कहते हैं, इसमें भी एक पाइपिंग दिया गया है रेड कलर का, गोटा पट्टी उसके ऊपर पहले सेट की जाती है और फिर उसे फोल्ड कर कर बनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। ये इसका पैंट है नीचे, कॉटन में है बिल्कुल, तो आप जब भी इन्हें लेने जाते हैं तो इन्हें चेक कर लीजिए अगर। और इसके साथ ये दुपट्टा है, तो इसका जो प्राइस भैया ने बताया था वो 1200 बताया था, बाकी आप बार्गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती पर चलते हैं, ये कुर्ती नहीं है, ये आपके गाउन टाइप है, बिल्कुल आपके एंकल लेंथ है ये, और ये काफ़ी अच्छी थी। इसका भी भैया ने 1400 कुछ ऐसा इसका प्राइस भैया ने बताया था, तो ये भी जब आप पहनते तो इसमें एक अच्छा सा लुक निकल के आता, कोई इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है ये नीचे, ये सारा इसके अंदर डिजिटल प्रिंट है। और ये इसका जो कपड़ा है वो बहुत सॉफ्ट और मुलायम था, ये कॉटन में नहीं था, और इस पर हैंडवर्क किया गया ऊपर। मैं ओवरऑल लुक आपको मैं दे रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल जो हमारा है वो बंद हो जाएगा, तो प्लीज़ हमारा साथ दें, हमें भी आगे आप बढ़ाएँ। और टाइम वॉच भी पूरा नहीं होगा तो भी ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम बिल्कुल पास आ गया है, वरना मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप भी समझते हैं कि हम इतनी दूर जाते हैं, किराया लगा के जाते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाते हैं, भीड़ में धक्के खाते हैं, तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप थोड़ा सा बढ़ावा दें हमें, आप हैं तो हम हैं, और आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए भाग दौड़ करेंगे। आप कोई और मार्केट विजिट करने के लिए बोलेंगे तो वो भी हम आपके लिए करके लाएंगे। अभी इतना इन्होंने माल लेके नहीं आए हैं, लेकिन कहते हैं फरवरी में सारा आ जाएगा, हमने ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे